नमस्कार, मैं हूं असलम अंसारी और आप देख रहे हैं भारत टीवी 24/7। देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है और दूसरे चरण की बात की जाए तो दूसरे चरण का चुनाव भी संपन्न हो चुका है, लेकिन देश के नेताओं की बात की जाए तो नेताओं के इस बार जो बयान है वो वाकई में वोटरों को लुभाने के लिए काफी नहीं है। और देश में तरह तरह के नेता है जो की देश में भड़काऊ भाषण दे रहे हैं ताकि जनता एक तरफा वोट दे, लेकिन अक्सर हम लोगों ने देखा देखते हुए आए हैं कि आखिर जो वोट है वो वोट बैंक की राजनीति कब तक चलेगी और धर्म को लेकर जो राजनीति की जा रही है क्या वो कहां तक ठीक है। हम आपको बताना चाहेंगे जिस तरीके से कल हमने कई नेताओं के बयान सुने, नेताओं के बयान सामने आने के बाद नेताओं ने ये दावा किया है अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो देश में शरिया कानून लागू हो जाएगा। क्या पाकिस्तान में शरिया कानून है? यह तमाम ऐसे मुस्लिम देश हैं कि वहां पर शरिया कानून लागू हो चुका है? तो हम जवाब देंगे नहीं, देश संविधान से चलता है और जो शरिया कानून की बात है वो सरासर गलत है। देश की बात की जाए तो देश के कई नेता ऐसे हैं जो कि शरिया कानून को लागू करने की बात कर रहे हैं जो कि बीजेपी के नेता हैं, लेकिन कांग्रेस के मैनुफैक्चर में कभी ऐसा और घोषणा पत्र में कहीं कुछ ऐसा नहीं लिखा है कि वहां पर वह शरिया कानून को लागू करेंगे। लोगों की बात की जाए, युवाओं की बात की जाए तो लगभग युवा जो है वो बेरोजगार फिर रहे हैं और नेता हैं रोजगार और महंगाई पर तो कोई बात नहीं करता। सवाल उन नेताओं से भी है कि आखिर देश की युवाओं को क्यों गुमराह कर रहे हैं। देश के वो नेता हैं, ये वो नेता हैं जो चाहे तो देश को विश्व गुरु बना सकते हैं लेकिन विश्व गुरु नहीं बना रहे। देश के युवाओं की बात की जाए तो देश का हर चौथा पांचवा युवा बेरोजगार है और आज वो रोजगार की तलाश में सड़कों पर फिरता है। जिस जगह पर हम रहते हैं उससे लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर एक इटावा शहर का शास्त्री चौराहा है। उस शहर के चौराहे पर लगभग सैकड़ों की संख्या में मजदूर मजदूरी के लिए खड़े रहते हैं। उसमें हाई स्कूल, इंटर और जहां तक अनुमान है कि ग्रेजुएशन वाले भी लोग वहां पर मजदूरी के लिए खड़े होते हैं। ये वो मजदूर है जो कि सरकार पर निशाना साधते हैं और बताते हैं कि हमने पढ़ाई तो की है लेकिन नौकरी नहीं मिली।